जिसमें तीन स्टिक लगती है अलग अलग तरीके से, ये यहाँ से यहाँ पर जाती है और ये यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है, जिसके पंखों पर पैर नीचे, ये ऐसे करके अपना ये बाज तैयार हो। तो दोस्तों हवाई जहाज एरोप्लेन वगैरह, तो दोस्तों ये एरोप्लेन आपका तैयार हो चुका है, कहीं भी आपको ही नहीं मिलेगा, हांडीपुरा में तो कहीं नहीं मिलेगा। देखने में जो कितनी सुंदर है ये शाही पतंग कहते हैं अपने यहाँ, शाही पतंग बोला जाता है, क्या रेट है भैया? पतंग कहते हैं ये अपने यहाँ से होटल में, अपने यहाँ से टूर्नामेंटों में जो डोरे लड़ाई जाती है डोर वो। अच्छा, आप नागौर का रहने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं नागौर से यहाँ पर पतंग लेने के लिए आए हैं। दोस्तों कैसे आप सभी मेरे YouTube चैनल में, दोस्तों आप सभी करता हूँ, आज मैं आया हूँ हांडीपुरा के पतंग मार्केट में, जहाँ पर मैं आपको हांडीपुरा की सबसे प्रसिद्ध दुकान बताने वाला हूँ और सबसे जो पुरानी दुकान है हांडीपुरा की वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हाजी अब्दुल हमीद मोहम्मद इकबाल जी की जो दुकान है वो 80 वर्ष पुरानी है और मैं यहाँ का आपको पूरा डेकोरेशन दिखा रहा हूँ और यहाँ पर आपको सभी तरह की जो पतंगें हैं वो देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी पतंगें भी आपको दिखाऊंगा मैं वीडियो के अंदर। तो दोस्तों चलते हैं दुकान के अंदर, पूछते हैं भैया से। नहीं ये नंबर नहीं मेरे पास। तो दोस्तों जैसा कि मैं दुकान के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ की डेकोरेशन आप देख सकते हो जिस तरीके से दुकान को सजाया गया है, काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया गया और यहाँ पर सभी तरह की आपको चरखी होती है वो देखने को मिलेगी यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी तरह की पतंगें अलग अलग वैरायटी में आपको देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं काफी बड़ी शॉप है ये, हांडीपुरा की सबसे बड़ी शॉप में से एक है ये और सबसे प्रसिद्ध दुकान है ये, आप यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए भैया से पूछते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पतंगें मिलती है और यहाँ पर कौन कौन सी चरखी और सब मिलते हैं मांझा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कपड़े वाली जो डिफरेंट आइटम है इनके पास मिलेगा ये वाला आइटम और ये मैंने तो पहली बार ही देखा है। तो जैसे वगैरह लगती है और ये शायद अपने अलावा कहीं भी आपको ही नहीं मिलेगा, हांडीपुरा में तो कहीं नहीं मिलेगा जी भैया। ये इसका स्मॉल साइज है, सबसे छोटा है और ये इसका बिग साइज है। इन सब में कलर काफी आएंगे, 10 से 12 प्रिंट अलग अलग आएंगे। ये 30 रुपए का वन पीस पड़ता है ओनली जी, 30 रुपए का। 10 पीस लेना पड़ेंगे, कम से कम 10 पीस देते हैं और इसमें कई कलर आ जाएंगे, कई डिजाइन आ जाएंगे। ऐसे ही इससे बड़ा वाला साइज है, इसके अंदर भी 10-1 पैटर्न अलग अलग तरीके के होते हैं जी। इसके अंदर भी स्टिक दोनों तरफ लगानी पड़ेगी अपन को जब जाके कंप्लीट होगा। तो दोस्तों जैसे कि वरना ये इस टाइप से फोल्ड हो गए रखती हैं, फोल्ड हुई रहती है, आसानी से ग्राहक कस्टमर ले जा सकता है, इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको पैकिंग हुई भी रहती है ये बिल्कुल। इस तरीके से मैं आपको फोल्ड करके पैक करके दिखा देता हूँ जी। ये जैसे मैं इससे बड़ा वाला नया पीस खोल रहा हूँ हवाई जहाज वाला, इसका शेप है ये देखो, इस तरीके से फोल्ड रहती है और इसमें स्टिक निकलती है इनकी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फोल्ड रहती है और इसमें से स्टिक जो निकलती है वो आप इसको इंक्लूड करनी है आपको इसमें, ये ऐसे लगानी है, यहाँ लगाती। आप देख सकते हैं भैया इसको तैयार कर रहे हैं एक इसकी, और आप देख कर इसको तैयार कर सकते हैं अगर आप यहाँ से ले जाएंगे तो। हाँ, और ये आसानी से ले जा ही सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको ले जाने में, रास्ते में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अपना हवाई जहाज एरोप्लेन वगैरह। तो दोस्तों ये एरोप्लेन आपका तैयार हो चुका है, ये 120 का वन पीस है, 120 का वन पीस बता रहे भैया। तो भैया अगर 80 रुपए का ही है। अच्छा, 80 रुपए का वन पीस। तो इसको कम से कम कितनी अगर ले जाएंगे तो होलसेल में? 5 पीस 2 पीस 3 पीस कोई ना ले सकता है, कस्टमर खाली डेकोरेट के लिए भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। अच्छा, अच्छा। आदत पाबंदी नहीं है, अपन आजाद हिंदुस्तान में रहना है जी भैया। ये सबसे बिग साइज है, बाकी इन सब में क्या कलर खूब आ जाएंगे, मैंने वेराइटी आपको 4 दिखा दी ले जाएगा। दोस्तों कलर तो इनके पास काफी सारे हैं लेकिन जो पैटर्न वो है, पैटर्न वो आपको दिखा रहे हैं, ये साइज है सबसे ज्यादा। आप देख सकते हैं ये जो इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको चील बाज वाला पतंग है, बाज वाला। दोस्तों देख सकते हैं बाज वाली पतंग जो पूरे हांडीपुरा के अंदर आपको कोई सी भी शॉप पर देखने को नहीं मिलेगी, मोहम्मद इकबाल पे मिलेगी बस। इन्हीं के पास सारी वेरायटी जितनी भी है और ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर देते हैं पूरा माल अपना, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों ये बाज तीन स्टिक है, इसमें तीन स्टिक लगती है अलग अलग तरीके से, ये यहाँ से यहाँ पर जाती है और ये यहाँ से वहां पहुंच जाती है, जिसके पंखों पर पैर नीचे, ये ऐसे करके अपना ये बाज तैयार हो। तो दोस्तों ये देख सकते हैं बाज तैयार हो गया है उड़ने के लिए जी। 180 का वन पीस पड़ता है। अच्छा, 180 का वन पीस पड़ता है। इसमें भी काफी सारे कलर आ जाएंगे और काफी डिजाइन आ जाएंगे, अपने पास भंडार है इन पतंगों का, कपड़ों के पतंग जी। अपने गुजरात अहमदाबाद
साउथ साइड इन जगहों पर यही वेराइटियाँ ज्यादा चलती है। अब कुछ जयपुर के भी राजस्थान के भी लोग इन चीजों को खरीदने लग गए, इसलिए हम इसका स्टॉक खूब ज्यादा रखने लग गए और हर आदमी इनको रख नहीं पाता जी, क्योंकि महंगी बहुत ज्यादा पड़ती है, इनकी संभाल नहीं हो पाती। अब हमारे पास में गुंजाइश, इसलिए हम लोग रखते हैं और शायद हमारे अलावा कोई नहीं रखता। बाजार में भी जो दो चार लोगों के पास मिलेगी ना, वो हमसे ले जा करके उन्होंने डेकोरेट किया हुआ ये आइटम। तो फ्रेंड्स, गुजरात में ज्यादा चलने वाला आइटम है ये और राजस्थान के अंदर भी अब पसंद किया जाने लगा है इसको धीरे धीरे। जयपुर के अच्छी उड़ती है, मतलब ये इनके सिर्फ तंग भी सिंपल ही है, यहाँ पर बंधेंगे बस। अच्छा, जो आप देख सकते हैं उड़ाने के लिए जो तंग बांधे जाते हैं, बस सिर्फ सिंगल बंधे का धागा और यहीं बंधे का थोड़ा दूर रख के बच्चे को ऐसे करके यूं छुट्टी दिला देते हैं। अच्छा अच्छा, तो भैया प्रॉपर उड़ जाती है बिल्कुल, अच्छे उड़ती है, उड़ने के लिए ही बनी है। अच्छा, कितना बड़ा पीस है। तो दोस्तों देख सकते हैं सब कलर अलग अलग आ जाएंगे जी। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ से जो पतंगे या मांजा जो भी आपको यहाँ चाहिए वो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, और यहाँ पर एड्रेस भी पूरा दिया गया है। भैया का नाम है मोहम्मद शकील, भैया को आप कॉल कर सकते हैं, वो आपको डिलीवरी यहाँ से दे देंगे। नमस्ते भैया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शकील। तो भैया, अपने शॉप पर कौन कौन सी वेरायटी मिलती है पतंगों की और क्या रेंज से स्टार्ट है अपने यहाँ पर? मैं सब आपको इस वीडियो में जो भी डिफरेंट आइटम होंगे मैं सब आपको ए टू जेड पन्नी से लेकर के कागज तक सारी वेरायटी मैं तुम्हारे को इस वीडियो में दिखाऊंगा जी। भैया, हमारा काम है मतलब 80 वर्ष पुराना काम है, हमारे जो दादा थे अब्दुल हमीद जी, उनके जमाने से अपना काम ही है। और अब्दुल हमीद के बाद में जो हमारे दादा थे अब्दुल हमीद, उनके बाद में हमारे पापा बैठने लगे जो दुकान पे, उनका नाम था मोहम्मद इकबाल जी। भैया जी, उनके बाद में अब हम हैं उनके लड़के, मेरा नाम मोहम्मद शकील। तो तीसरी पीढ़ी यहाँ पर मतलब काम कर रही है अब? बिल्कुल बिल्कुल, 12 महीने का काम है अपना, जेन्युइन काम है। अच्छा, रजिस्टर्ड शॉप। तो भैया, सबसे कम रेंज वाली पतंग बताइए आप सबसे पहले, जो सबसे कम रेंज की आती है जी वो पतंग आप बताइए। देखो भैया, ये होती है चार वाली साइज के पास जी, चार वाली साइज होती है, इसका साइज जो होता है ना हाँ, वो होता है 21.5 साइज, 21.5 साइज होता है। ये पतंग आपको पड़ेगी 75 रुपए की, 75 की, 75 रुपए की सो पड़ेगी। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इस पतंग की पतलू डोरीमोन। तो दोस्तों, कार्टून की जो पतंग है वो मिल जाएगी आपको यहाँ पर देखने के लिए, 15 पैटर्न होंगे जो कि बच्चों की फेवरेट होती है। इसमें 15 पैटर्न होंगी, पतंग पड़ती है हमारे यहाँ 145 रुपए की, 3 रुपए की बिक रही है। इसमें भी 10 डिजाइन होंगे, 10 कलर थोड़ा ऊपर ले लेना भैया, 10 डिजाइन और 10 कलर होंगे, 27.5 साइज होगा इसमें। तो फ्रेंड, जैसे देख सकते हैं चमकीली जो पतंग होती है, कलर होंगे, उड़ने के बाद काफी शानदार लगती है ये देखने में। ये पतंग पड़ती है अपने 240 रुपए। दोस्तों, उसके बाद में ये आती कटिंग वाली पतंग, कटिंग वाली पतंग जैसा कि आप देख सकते हैं, फैंसी होती है थोड़ी पतंग, इसकी सब तरीके की कटिंग होगी अलग अलग ही देखिए जी। इस पतंग को बहुत मेहनत से बनाया जाता है। अच्छा, लेकिन मात्र पड़ कितने की लिए अपने को 250 रुपए की, 250 रुपए की सो पड़ती है, 250 रुपए की सो, उसके साथ में कलर वगैरह सब। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं 100 पीस आपको कम से कम लेने पड़ेंगे जब थोक रेट आपको लगेगी यहाँ पर। कंपलसरी 100 पीस होंगे होलसेल में लेने, 100 पीस दिए जाएंगे। बाहर से जैसे कोई कस्टमर हमें ऑनलाइन माल मंगाता है जी, उसको इसी रेट में माल देंगे जो रेट हम आपको वीडियो में बता रहे जी। भैया, ये 5 रुपए बिकती है, 5 रुपए बिकती है, 5 रुपए से। उसके बाद में एक ही आपने आती है झालर पतंग, झालर वाली पतंग जैसा कि देखते हैं आप, देखने में काफी सुंदर होती है। इसमें भी 10 से 15 प्रिंट होंगे अपने अलग अलग, सब मल्टी कलर होंगे, 27.5 में झालर पतंग होती है। ये पतंग अपने यहाँ से 340 रुपए की पड़ती है, 340 रुपए की सो चढ़ती है, और अपने यहाँ से 6 रुपए की बिकती आ गया करके कॉलोनी में। अच्छा, 5 से 6 रुपए की 30 साइज, 38 साइज में होता है, 30.5 साइज ये भी फैंसी में होती है, जो अभी मैंने आपको नीचे बदलाई 27.5 में जी। उसके बाद में 30.5 साइज होगा, ये भी फैंसी में होंगी, अलग अलग कलर, अलग अलग प्रिंट, अलग अलग डिजाइन, सब अलग अलग होंगे। 300 जैसा कि आप देख सकते हैं ये पतंग 3D टाइप जो पतंग होती है वो आप देख सकते हैं, काफी सुंदर पतंग है ये, 360 रुपए की होगी, कलर डिजाइनों के साथ में अलग अलग प्रिंट जी, सब लेटेस्ट प्रिंट होंगे, सब अलग अलग प्रिंट। दोस्तों, लेटेस्ट प्रिंट है आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, न्यू पैटर्न आपको यहाँ पर, न्यू पैटर्न आप यहाँ पर आएंगे तो आपको और शॉप से ज्यादा यहाँ पर पैटर्न देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है,
पन्नी में। जैसा भैया बता रहे हैं खुद मैन्युफैक्चरिंग खुद बनाते हैं इनको? बिल्कुल, हमारे कारखाने जो होते हैं, हमारे कारखाने में कारीगर लोग पतंगे बनाते हैं। इसका पैटर्न अपने यहाँ के लेटेस्ट माल होगा, बाजार से हटके डिफरेंट आइटम 350 रुपए, 6-7 रुपए का काउंटर पे बिकता है। ये रॉकेट पतंग, इसे कई जगह तुक्कल कहते हैं, कई जगह रॉकेट कहते हैं। इसमें भी 10 प्रिंट होंगे अपने, 350 रुपए की सोए, 8-10 रुपए की कॉलोनी में बिकती है। इसके बाद में आ गई मेटल फिनिश, इसे कहते हैं चाइना मेटल। ओरिजिनल जो मेटल होता है वो ये होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं चाइनीज जो मेटल मिलेंगे, ये अपना ओरिजिनल मेटल होता है। ये किसी कारखाने की पतंगे होती है अपने, जो कारीगर हमारे बनाते हैं। इसका खास तिल्ला बिल्कुल बराबर होगा जी, और इसमें सब प्रिंट अलग अलग होंगे, कलर के साथ में डिजाइन के साथ। उड़ाने में भी आसान होती होगी जी? जी जी बिल्कुल, बहुत बेस्ट पतंग होती है। देखिए आप इसका तिल्ला, इसका तिल्ला दोनों साइड से बराबर होता है। 420 रुपए की सो पड़ती है और 10 रुपए की काउंटर पे बिकती है। क्या 30 साइज होता है? 30.5 साइज जी। इसमें सब दोस्तों आप देख सकते हैं, इस पे न्यू ईयर जो लेटेस्ट पतंग है 2022 की आने वाली है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये और कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगी। 360 रुपए की पड़ रही है ओनली फॉर, 8-10 रुपए काउंटर पे बिकती है। बाद में ये होता है 34.5 साइज होता है, ये हमारे यहाँ से 4.20 रुपए की पड़ती है, 10 रुपए की काउंटर पे। फ्रेंड देख सकते हैं अलग अलग वेरायटी है काफी, इसमें और भी कलर आपको मिल जाएंगे। जब कस्टमर यहाँ से 100 पतंग लेता है तो उसके साथ में 10 प्रिंट सब जाते हैं, 10 कलर के साथ। अच्छा, सब अलग अलग डिजाइन और सब अलग अलग कलर होंगे। उसके बाद में ये आएगी ज्यादा 10 रुपए से, काउंटर पे 10 रुपए की बिकती है अपनी। 5 कलर मैंने आपको दिखा दिए, 10 कलर पूरे होंगे कंपलसरी, 100 पीस लेने होंगे। दिखाना पोसे वाली होती है, इसे तावर होगी। क्या बोलते हैं भैया? तावे की रॉकेट, तावे 42 इंच की पतंग होती है। 42.5 इंच काफी बड़ी साइज, 42.5 इंच की पतंग होती है अपनी यहाँ से 600 रुपए की सो पड़ती है, और काउंटर पे 15 रुपए की बिकती है। दिखाइए आप कितनी बड़ी पतंग है। जैसा की दोस्तों देख सकते हैं 42.5 इंच काफी ज्यादा बड़ा होता है, उड़ने के बाद काफी बहुत बड़ी होती है, शानदार लगेगी ये। 21.5 साइज पतंग होती है, इसमें सब कलर डिजाइन है, कलर पट्टी होगी व्हाइट के ऊपर, कलर रंगीन पट्टी होगी। 21.5 साइज में 140 रुपए की, काउंटर से 180 रुपए की सो है, 1.80 रुपए की पतंग। लेकिन कस्टमर को कम से कम हमारे यहाँ से 100 पतंग लेनी पड़ेगी होलसेल में। अगर रिटेल में वो हमसे लेंगे तो हम रिटेल में उनको भी नहीं दे पाएंगे। रिटेल हमारी सिर्फ होती है 3 दिन, 11 जनवरी, 12 जनवरी और 13 जनवरी। उस टाइम पर ये पतंग हमारे यहाँ से 2 रुपए की मिलेगी काउंटर पे से, सिर्फ यहाँ इतने मार्जिन होता है सिर्फ पतंग के। 180 रुपए की होलसेल में दे रहे अभी हम, 3 दिन रिटेल कर 180 रुपए की। उसके बाद में आती है 26.5 साइज में रोके, ये अपनी यहाँ से पड़ती है 190 रुपए की, 190 रुपए की सो पड़ती है, और सब प्रिंट अलग अलग कलर का अलग अलग आ जाएंगे। 3-4 रुपए की कॉलोनी चील पतंग 27.5 साइज में, ये अपने शेखावाटी काफी फेमस पतंग होती है, चील पतंग जो खींच के लिए जानी जाती है अपने। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने शेखावाटी और ये झुंझुनू सीकर इस साइड में ज्यादा पतंगे यही होती है मतलब, और यही कस्टमर की मांग होती है उनसे, फतेहपुर शेखावाटी झुंझुनू सीकर इस जगह होती है। 2 रुपए 20 पैसे की अपने यहाँ पर, 220 रुपए की, 2 रुपए 20 पैसे 27 पतंग होती है, साइज 27.5 होता है, चील कट बोलते हैं। ये होती है अपने चौकड़ी में, चौकड़ी कहते हैं साड़ी चौकड़ी, 27.5 साइज में 260 रुपए की सो, कलर इसमें 8 मिलेंगे आपको, 260 रुपए की सो है। आगे आकर के बाद में आ जाती है अपने रामपुर की पतंग, बहुत रामपुर पतंग होती है जी, बहुत बढ़िया कारीगर की पतंग है। अच्छा, ये रामपुर की पतंग है, इसमें सब प्रिंट अलग अलग होंगे। देखिए आप इतने प्रिंट आपको ये बाजार में कहीं नहीं मिलेंगे। ये अपने 320 रुपए की सो है, 300 रुपए मंजोला क्या होता है वैसे? मंजोले का साइज होता है, ये जो इसकी कमान होती है 27.5 साइज की होती है, इसे कहते हैं मंजोला। अच्छा, रामपुर का, इसमें सब डिफरेंट प्रिंट होंगे, डिफरेंट कलर होंगे। 340 रुपए का सो है, 6 रुपए सेल आगे से। अच्छा, तिरंगा पता मेरा भारत महान 30.5 साइज, ये अपने दिल्ली में बहुत माल जाता है अपना। अच्छा, दिल्ली में। अच्छा, तो अपना माल दिल्ली पूरा ऑल ओवर इंडिया में जाता है? इंडिया डिलीवरी होती है अपने यहाँ से, दिल्ली जाता है और ये अपने गुजरात जाता है, पंजाब जाता है, नासिक जाता है, एमपी जाता है, इंदौर जाता है, ऑल इंडिया जहाँ से भी हो आप, हम माल आपके घर पे डिलीवर कर देंगे। जैसे आपने मेरे को आज ऑर्डर करा, मैं सेम डे आपको बिल्टी सेंड कर दूंगा माल की, तो
टुमरो मॉर्निंग में अगर आप राजस्थान से हो तो टुमरो मॉर्निंग में आपको माल अपनी जगह पर मिल जाएगा, और आप महाराष्ट्र से हो तो आपको माल पहुंचने में 2 से 3 दिन लगते ही है महाराष्ट्र माल पहुंचाने में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में इनका भैया का माल जाता है और आप यहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं। माल लगाया अभी मैंने महाराष्ट्र का माल लगाया 10 नग लगाए, कल ही मैंने माल लगाया यहाँ से महाराष्ट्र का, ऑनलाइन का ऑर्डर था उनको, पहले मैंने 1 नग भेजा था सैंपल के लिए, सैंपल के तौर पर उन्होंने सब में सबसे मेरे से मतलब डिफरेंट सब पीस मंगाए थे 100-100, उसके बाद में उनकी क्वांटिटी आई मेरे पास 5-5 हज़ार की, तो मैंने उनके 10 कार्टून कल ही लगाए महाराष्ट्र जी। ऑल इंडिया माल खरीदी भी हो आप माल जाते हैं, एक ही 30.5 साइज में होती है, ये भी गुजरात नासिक पंजाब इस जगह भी ज्यादा चलती है, पूंछ पतंग होती है पूंछ में 30.5 साइज होता है, 360 रुपए की सोन है। इसके बाद आता है अपने अद्दा चार हाथ का ही अद्दा, इसमें सब डिफरेंट कलर होंगे, 30.5 साइज होगा ये देखिए, इतने पैटर्न इतने प्रिंट दोस्तों देख सकते हैं, काफी रंग बिरंगी पतंग है ये, कहीं नहीं मिलेंगे अपनी शॉप के अलावा इतने रंग और इतने प्रिंट, इतने प्रिंट, हाँ इतने प्रिंट कहीं देखने को नहीं मिलेंगे आपको वाकई में। आपने वीडियो भी बनाई है, आपने कहीं नहीं देखूंगा इतने प्रिंट जी भैया। ये अपने 380 रुपए की 380 रुपए की सोए और 6-7 रुपए का इसका बाजार का। तो दोस्तों देख सकते हैं आप काफी ज्यादा प्रिंट है, इसलिए सारे तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, लेकिन भैया आपको जो मेन है वो ऊपर से दिखा रहे हैं 25। ये तो सैंपल में हमारे इतनी मतलब चौके होते हैं, मैंने फिर भी आपको 10 से 12 प्रिंट इसमें दिखा दिया, बाकी 25 प्रिंट लगेंगे। इसके बाद आती है अपने रामपुर की पतंग 30.5 साइज में, ये भी नाम से ही मांगते हैं कस्टमर, इससे बहुत सेल होती है पतंग की, बहुत ज्यादा सेल होती है पतंग, कस्टमर ज्यादातर इसी की मांग करता है, रामपुर की पतंग होती है 30.5 साइज में, ये हमारे यहाँ से 420 रुपए की पड़ रही है ओनली, 420 रुपए 420 रुपए की पड़ रही है, कस्टमर आराम से 7-8 रुपए की बेचते। उसके बाद में आती है मैदान का कौवा कहते हैं इसे, मैदान का कौवा जो क्लब से लड़ाई जाती है शर्तों पर पतंग, उंगली के इशारे पे काम करने वाली जो पतंग होती है वो होती है इसमें, सब मतलब ज्यादातर इसमें प्लेन भी पतंग होती है क्योंकि मैदान से ज्यादातर प्लेन ही पतंग लड़ाई जाती है, मैदान का कौवा कहते हैं, उंगली के इशारे पे काम करने वाली होती है, 480 रुपए की सो पड़ती है, 480 रुपए की सो जो कि मैदान की शर्तों पे उड़ाई जाती है, आप देख सकते हैं 480 रुपए की सो हम दे रहे हैं कस्टमर को कंपलसरी, लेकिन आपको 100 पीस लेना पड़ेगा। और उसके बाद में ये है, आइए हम होलसेल में देंगे तो कस्टमर को कम से कम उनका मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए कम से कम 10,000 रुपए 10,000 रुपए जी। आप जैसे ये समझ लीजिए, दूसरी बात ये आप हमें आप अभी हम अभी आपको ये 480 रुपए की सो दे रहे हैं, तो आप खाली ये सो ही पतंग लोगे हमसे जी, तो वो तो रिटेल काउंटर पे ले रहे हो आप मेरे, तो वो तो मैं नहीं दे पाऊंगा, कंपलसरी ऑर्डर इसमें होगा मेरा 10,000 कंपलसरी। पेपर कैसे MF पेपर, त्रिवेणी पेपर होता है ये, अपने पंजाब गुजरात महाराष्ट्र इस साइड ज्यादा चलता है, और जयपुर में बहुत मांग होती है, पतंग फटती नहीं है, त्रिवेणी पेपर कहते हैं। क्या बोलते भैया? साइज में त्रिवेणी पेपर, त्रिवेणी जी। दोस्तों ये देख सकते हैं, 10-12 प्रिंट मिल जाएंगे पूरे, बिल्कुल ही अलग पैटर्न है, 550 रुपए की सो पड़ेगी अपने, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखने को मिली है, मुझे तो फर्स्ट टाइम देखी है मैंने, ये 550 कागज भी अलग है, 550 रुपए की सेल होती है आगे डिटेल में, कॉलोनियों में 10 रुपए की सेल होती है। दोस्तों इसकी क्वालिटी देख सकते हैं आप, काफी ज्यादा अच्छी है, बटर पेपर त्रिवेणी पेपर भी कहते हैं, कई जगह MF कहते हैं, कई जगह बटर कहते हैं, ये देखिए आप, इसका पेपर सही जाने का नहीं है, और मजबूत पेपर होता है, इसमें 5 प्रिंट मैंने आपको दिखा दी, 5 और आ जाएंगे। उसके बाद में ये आता अपना बरेली का अद्दा कहते हैं, मशहूर पतंग होती है कारीगर की, ये भी उंगली के इशारे पे नाचने वाली पतंग होती है, जैसे हम जिधर घुमा रहे बिधर ही जाएगी, उंगली के इशारे पे पतंग काम करेगी, 550 का 100 550 जो रेट हम वीडियो में बता रहे हैं वही रेट देंगे। एक इसके बाद में ये आता है 34.5 साइज का होता ही है, कोना कहते हैं इसे, 34.5 साइज, डिफरेंट कलर डिफरेंट डिजाइन सब आएंगे इसमें, ये अपने यहाँ से पड़ रही 500 रुपए की, 34.5 साइज 500 रुपए की पड़ रही है, और काउंटर पे 10 रुपए की सेल होती जी। हैवी कार्ड 10 हाथ 8 हाथ पतंग के ऊपर पतंग अलग अलग डिजाइन है। तो दोस्तों देख सकते हैं पतंग के ऊपर ही पतंग का शेप बना हुआ है इस पे। 900 रुपए की सो पड़ती है अपने यहाँ से, 900 रुपए की सो जी, और 20 रुपए की 25 रुपए की दिखती है कॉलोनियों में, फैंसी पतंग होती है, बहुत मेहनत होती है पतंग। उसके बाद आता है 42.5 साइज में, रॉकेट कहते हैं इसे, तावे का रॉकेट, 42.5 साइज होता है इसका, अपने 850 रुपए की सो, 850 रुपए 20 रुपए की बता, बिल्कुल 20 रुपए की दिखती है जी।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी साइज की पतंग है ये। बंदा पतंग की नाप से ले रहा है ऊपर खड़ा हो, आप देख सकते हैं बराबर की पतंग होगी बिल्कुल, ऊपर करो क्या अब नीचे इसका धागा लटका। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी बड़ी पतंग है और झालर लटकी हुई है इस पे, देखने में जो कितनी सुंदर है ये। शाही पतंग कहते हैं इसे अपने यहाँ, शाही पतंग बोला जाता है। क्या रेट है भैया इसकी? पतंग कहते हैं ये अपने यहाँ से होलसेल में अपने यहाँ से 50 रूपए का 21 पड़े। अच्छा ये अपने और ये भैया मार्केट में कितना मिलता है ये? मार्केट में 100 रूपए का बिकता है आराम से, 100-125 रूपए का तो कॉमन है, रिटेल में काउंटर पे बिकी जाता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप यहाँ पर ओनली 50 रूपए की दे रहे भैया और ये 100 रूपीज की आपको मार्केट में के अंदर मिलेगी। जी जी कंपलसरी कम से कम इसके आपको 25 पीस लेने पड़ेंगे जब हम आपको होलसेल में ये 50 रूपीज का पीस दे रहे ठीक है भैया। ठीक है तो फ्रेंड्स हमने पतंग का कलेक्शन देखा, मैं आपको मांझा दिखाने वाला हूँ भैया, अलग अलग प्रकार के मांझे बताने वाले हैं। तो भैया कौन कौन से मांझे अपने पास? देखो मैं आपको अपने पास मांझा होता है कॉटन का। जी कॉटन का मांझा होता है ये अपने यहाँ से अपनी सबसे कम प्राइस की जरिए शुरू होती है, सबसे कम प्राइस वाला इसमें होता है 500 गज डोर। 500 गज डोर होती है एनआरके की डोर होती है, ये अपने होलसेल में लेने पड़ेगी आपको कम से कम होलसेल में इसकी रेट होती है 45 रूपए की, कंपलसरी 10 पीस। अच्छा 10 पीस लेने पड़ेंगे, 10 कलर आ जाएंगे 10 पीस। उसके बाद में ये आती है अपने जाकिर भाई की चरखी, जाकिर भाई की। जी जी ये जाकिर भाई की चरखी पड़ती है अपने यहाँ से 95 रूपए की, एक चरण की पूरी से 95 रूपए की एक चरखी पड़ती है और आज के काउंटर पर 200 रूपए ऊपर ले लेना आपके पास ऐसे। हाँ क्वालिटी बहुत बढ़िया होगी देखिए आप लोग। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, नाम से होती है, बढ़िया चरखी पे धागा लगा हुआ होता है, नाम से बिकता है। 94 रूपए की पड़ती है और आगे सेल होती है 200 रूपए। अच्छा उसके बाद में आ जाती है अपने 3 मील की चरखी जाफरी उस्ताद की, जाफरी उस्ताद की जाफरी की डोर होती है ये। तो भैया एक मतलब पूरा ये आता है उसको लेना पड़ता है या मतलब कितने पीस लेने पड़ते हैं ये? होलसेल में कंपलसरी अपने यहाँ से 10 पीस का ऑर्डर करेगा। अच्छा 10 पीस का। जी जो भी गाइस हमें ऑर्डर करे वो कम से कम होलसेल में 10 पीस का ही ऑर्डर करना पड़ेगा उसको। जी जी ये अपने यहाँ से 10 पीस लेने पर एक पीस पड़ता अपने यहाँ से 160 रूपए। अच्छा 160 रूपए की चरखी पड़ती है अपने यहाँ से और काउंटर पे 300-400 रूपए की बिकती है रिटेल में। जी जो हमसे 160 के लेता है वो 300-400 रूपए की आराम से बेच लेता है। इसमें होते 500 गज के पूरे 6 निशान। अच्छा। देखिए आप दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं स्पेशल मांझा लिखा हुआ है इस पर, लेकिन ये 160 रूपए की मिलती है अपने यहाँ पर। अच्छा उसके बाद में ये थोड़ा बेस्ट हो जाता है क्वालिटी, उससे थोड़ी बेस्ट हो जाती है मैं आपको लेंथ बाय लेंथ दोरे दिखा रहा हूँ जिससे हल्की से लेकर के बढ़िया तक लगती है। इसमें 500 गज के 6 निशान होंगे देखिए आप। खलीफा उस्ताद की डोर होगी, इसमें कारीगर आपको मिल जाएंगे, जैकेट मिल जाएगा, एनआरके मिल जाएगा। अच्छा खलीफा मिल जाएगा, जाफरी मिल जाएगा, इसमें 500 गज के पूरे 6 निशान होंगे, पूरे की गारंटी होगी। ये अपनी ऐसे पड़ती है 200 रूपये की एक चरखी, 200 रूपये की। जी 200 रूपये की पड़ती है और आगे जाकर के 300-400 रूपये का ही बिकता है ये भी कॉलम में। उसके बाद में ये आया था ARK का, ये होता पांडा नो पिलाई, थोड़ा ऊपर लेना भैया। ये होता नो पिलाई में देखिए आप, ऑटोमेटिक डोर होगी पांडा, चाहे प्लेन चाहे प्लेन भी कलर ले सकते हो और मल्टी चाहो तो मल्टी भी कलर ले सकते हो। ये अपने यहाँ से 3 मील की चरखी पड़ती है 280 रूपये। क्या नाम है इसका? पांडा। जी ये 9 तार का मांझा होता है। अच्छा जी इससे बड़ी पतंगें उड़ाई जाती है जो मैंने आपको दिखाई थी 42 इंच की, जैसे ये साइज 34 इंच की, और इस साइज पे ये पतंग बहुत अच्छी काम करेगी इस मंजे। अच्छा ये साइज की पतंग दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बड़ी पतंग के लिए ये मंजा है। हाँ बड़ी पतंग पे ज्यादा सूट करेगा ये मंजा, 9 तार पे होता है, बढ़िया डोर होती है। उसके बाद में आ जाती है ये स्पेशल डोर है, गुलशन भाई की डोर होती है। अच्छा ये हांडीपुरे में कई शॉपों पे नहीं मिलेगी, लेकिन अपने यहाँ 12 महीने मिलेगी आपको ये डोर। दोस्तों इसमें रेंज भी देख सकते, रेटिंग भी दी गई है 4 स्टार की, जो 4 स्टार की चरखी है, गुलशन भाई की डोर है, ओरिजिनल चरखी है देखिए आप। 3 मील की चरखी मैदान से लड़ाई जाती है डोरों को। अच्छा चाहे आप कितनी लंबी पतंग लड़ा लो आपकी डोर में कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी। 4 प्लाई पे होती है डोर, इनकी खुद की मोर भी होती है देखिए डोर पे गुलशन भाई की। ये अपने यहाँ से पड़ेगी 250 रूपए की पीस, एक पीस 250। उसके बाद में आया था ये एयर इंडिया का पांडा, एयर इंडिया जी, नो प्लाई में होता है ये भी।
पांडा बोलते हैं। देखिए तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसको 7 बार सूता जाता है जब जाके सतरंगी इसके कलर सतरंगी कलर भी बोलते हैं इसको। जी जी सतरंगा मान जो होता है इसमें प्लेन चाहो तो प्लेन कलर भी ले सकते हो सतरंगा चाहो तो सतरंगा भी दोनों ही मिलेंगे आप। 380 रूपए की चरखी है 3 दिन की इसमें स्टील की चरखी लगी हुई है देखिए आप मजबूत चरखी होती है 380 रूपए की। इसके बाद में आया था ये नगीना चरखी पांडे के दोस्तों देख सकते हैं साइज भी बढ़िया है की डोर होती है देख डिस्कवरी की चरखी भी अच्छी लगी हुई होती बाहर से अगर चरखी खरीदोगे तो 150 रूपए से कम नहीं मिलेगी। प्रिंटेड देख सकते हैं प्रिंट काफी मतलब काफी शानदार है ये इसमें जो कलर के साथ में पंजे के कलर भी अलग अलग मिलेंगे। नो कोर्स होती है नो प्ले की डोर होती है पांडा के ये अपने यहाँ से ओनली फॉर 400 रूपये का पीस पड़ रहा है 3 दिन का। अच्छा 400 रूपये का पड़ रहा है 600 रूपये का बिकता है रिटेल में कंपलसरी 10 पीस लेना पड़ेगा फिर मैं आपको बता रहा हूँ कंपलसरी कम से कम आपको 10 पीस लेंगे जब भी आपको थोक रेट मिलेगी ऑर्डर करना पड़ेंगे आपको आगे यही होते हैं बोला वीडियो मतलब वीडियो देख क्या करते हैं वो चैट करते हैं बोला भैया आपने मेरे को ये वीडियो में 400 रूपये बताई लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कंपलसरी 20 की कंपलसरी लेना पड़ेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक नहीं मतलब आपको कम से कम 10 पीस लेंगे 10 पीस लेने पड़ेंगे और आप वीडियो में कमेंट करते हैं तो आप देख सकते हैं वो 10 पीस लोगे आप तभी ये रेट लगेगी आप बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में आ जाते हैं ये एनआरके की डोर ये एनआरके की चरखी होती है जी ये होता है 5x6 मांझा लिखे हुए 6 होते हैं लेकिन इसमें 800 मीटर के 6 रील होते हैं। अच्छा। मतलब 5000 गज डोर होगी इसमें 5000 गज डोर होगी इसमें और ये अपने यहाँ से पड़ेगा 300 रूपये 300 रूपये का जी 300 रूपये का पड़ेगा 500-600 रूपये का बिक जाता है 500 रूपये को तो बेच ही लो 300 का पड़ रहा है आपको जी। उसके बाद में आता है ये एनआरकी ये वाईकेसी 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 यासीन खान यासीन खान जी भाई किसी नाम से दिखता तो भाई सारे जो मांझे होते हैं बरेली से ही बन के आते हैं ना बिल्कुल बिल्कुल यहाँ कोई मांझे नहीं बनता सब मांझे आते हैं बरेली। अच्छा ये होता है 6 रील में जंजीर पे सुता हुआ मांझा जंजीर दोस्तों ये काफी चेली सुताई होती है इससे मैदानी स्पेशल मांझा कहते हैं इसे जी। ये बढ़िया डोर होती है अपने यहाँ से पड़ती 380 रूपये की 6 रील की चलती है। अच्छा भैया 380 रूपये की पड़ेगी और कस्टमर अगर इसको 1 रील 100 रूपये का भी बेच रहा है ना तो पूरे 600 रूपये बन रहे उसके ईमानदारी के पूरे 6 रील होंगे। तो दोस्तों जेन्युइन जो प्राइस है आपको भैया बता रहे हैं जेन में नहीं रहते ये होता है ब्लेड ब्लेड जैसी धार होती है इस मंजे पे जाफरी की डोर होती है। अच्छा ये बरेली के बहुत अच्छे कारीगर होते हैं वर्धमान के धागे पे ही डोरा होता है उसके ऊपर सूता जाता है ये मंजे ही देखिए जाफरी की डोर इसमें कलर जितने भी होंगे सब आपको दे दिए जाएंगे डबल स्पेशल होता है डबल स्पेशल 380 रूपये की पड़ेगी अपने यहाँ से ओनली फॉर 380 रूपये और 600-700 रूपये की बिक जाती है बढ़िया धागा होगा बढ़िया धागा कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी इसमें मैदानी मतलब की डोर होती है देखिए तो दोस्तों क्वालिटी चमक टॉप का कारीगर होता है ये मतलब टॉप कारीगर है ये अपने यहाँ से पड़ी 425 रूपये की मैदानी 425 कस्टमर को आगे आप गारंटी के साथ में दे दो कोई कंप्लेन नहीं होगी कंप्लेन आया तो जरिए हमारी रिटर्न। तो बेस्ट मांझा है एक नंबर हो दोस्तों देख सकते हैं बेस्ट मांझा मेरे पास एक और है जी। वो हर शॉप पे नहीं मिलेगी ये देखिए आप आरपी डैया कितनी है तो दोस्तों देख सकते हैं एमएमएस की चरखी होती है लंबी चरखी होती है बेलन चरखी भी कहते हैं। अच्छा बेलन चरखी और इतना डोर होती है ये अपने यहाँ से पड़ती है दोस्तों ये सबसे हाई क्वालिटी का जो मांझा है वो भैया ने बताया है यहाँ पर टूर्नामेंटों में जो डोरे लड़ाई जाती है डोर वो अच्छा टूर्नामेंट में जो यूज होती है वो देख सकते हैं आप यहाँ पर शर्तों पे टूर्नामेंट में क्या क्या रेट बताया भैया इसकी आपने ये अपने 650 रूपये की चरखी है 650-650 रूपये की अगर आप कालो 650 की देख सकते हैं हम यहाँ पर और आप मार्केट से लोगे तो आपको ये 1000-1100 रूपये से कम की कोई नहीं है। अच्छा ये हम ओनली फोर आपको दे रहे हैं 650 650 की टूर्नामेंट की डोर है बढ़िया इसमें कोई कंप्लेन नहीं है जी। तो दोस्तों सबसे बेस्ट मांझे भी आपको भैया ने दिखाया है आप देख सकते हैं मतलब बरेली के मांझे हैं भैया के पास सभी तरह के।
फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर जो ग्राहक आते हैं उनसे पूछते हैं यहाँ पर क्या क्वालिटी और यहाँ पर क्यों आना पसंद करते हैं। तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम युवराज सोनी है। अच्छा, कितने सालों से आप भैया के शॉप पे आए हो? मैं यहाँ पे लगभग 3 साल से आ रहा हूँ, मेरे से पहले से ही आ रहे हैं। अच्छा भैया, आपका नाम बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र सुथार है। अच्छा, और आप? नागौर का रहने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं नागौर से यहाँ पर पतंग लेने के लिए आए हैं, जो कि काफी दूर है नागौर यहाँ से, लेकिन यहाँ की क्वालिटी इनको यहाँ पर खींच लाती है, इसलिए देख सकते हैं हम यहाँ पर। तो भैया कौन कौन सी पतंगें आपने लिए हैं यहाँ से? मैंने लगभग वैरायटी, पूरा वैरायटी लिया है इनसे। अच्छा, सारी जो आपने पतंग पसंद करी है यहाँ? होलसेल के हिसाब से मैं दुकान लगाता हूँ नागौर में। अच्छा अच्छा अच्छा, और कम से कम 10-12 साल से मैं यहाँ से माल खरीद रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कम से कम रेट लगता है होलसेल रेट में। अच्छा, वाजिब दाम लगते हैं और अच्छे व्यवहार के भी अच्छे हैं ये लोग, और फोन पे भी ले लेते हैं ऑर्डर, भेज देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ का जो ग्राहकों का रिस्पॉन्स है काफी अच्छा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं शॉप का जो डेकोरेशन है वो कितना शानदार किया गया है यहाँ पर। काफी रंग बिरंगा सा देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, और पतंगे छोटी से लेकर जो बड़ी साइज होती है सबसे, वो भी आपको इसी शॉप पर देखने को मिलेगी। और देख सकते हैं आप चरखी भी अलग अलग है, और पतंग का शोरूम है ये यहाँ पर सबसे बड़ा। यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में जब माल जाता है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको जयपुर हांडीपुरा मार्केट की सबसे प्रसिद्ध और पुरानी शॉप दिखाई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको देखने को जरूर मिलते रहेंगे आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।